दुकान का किराया है 800 रुपए और काम हो रहा है 200 रुपए का। कहाँ से लाए हम बताओ, कहाँ से लाए? किराए तक के पैसे नहीं निकल रहे दुकान के। क्या चाहते थे और क्या नहीं हुआ है? रोजगार चाहते थे, भुखमरी मिल गई हाथ में। एक तरफा वोट डलेगी यहाँ से, एक तरफा वोट किसको? कन्हैया कुमार को। हमारा कन्हैया कुमार आ रहे हो। मनोज तिवारी के समर्थन में बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान वो में। दिग्गज तो धूल चाटेंगे, चिंता ना करो। इतने बड़े दिग्गज आ जाओ, सब धूल चाटेंगे वो। 4 तारीख के बाद पता पड़ जाएगी कौन दिग्गज नेता किसके साथ है कौन नहीं। सब कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पे हाथ के अलावा। कितने वोटों से जीतेंगे? जितने यहाँ तो फुल बहुमत। एक तरफा वोट डलेगी यहाँ से, एक तरफा वोट किसको? कन्हैया कुमार को। नहीं, मनोज तिवारी को हमने देखा नहीं, तुम किसे वोट देंगे ये बताओ? जब हमने किसी को देखा हो जान तो जब तो वोट दे। टीवी पे तो देखते होंगे ना? टीवी पे तो हम सलमान खान को भी देखते हैं, टीवी पे तो हम सलमान खान को भी देखते हैं, शाहरुख खान को भी देखते हैं, सबको देखते हैं। टीवी पे क्या, जो हमारे सामने आएगा उसे तो देखेंगे। जो हमारे परेशानी में हल होगा, हमारे विधानसभा से खड़ा जो नेता हमारे सामने नहीं आ रहा, उसे क्या वोट देंगे बताओ? तो कन्हैया कुमार जीतने के बाद ऐसा हो कि वो बिहार के हैं, कह रहे कि कन्हैया कुमार जीतने के बाद आपके क्षेत्र में कैसे आएंगे? भैया एक बार बताओ, मोदी कहाँ का? मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात से हैं। तो गुजरात से वो दिल्ली के इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर भाई? गुजरात से लड़ रहे हैं भाई, कोई ना कोई बंदा तो उठकर आएगा। राहुल गांधी जी कहाँ से हैं? ये भी कहीं और से हैं। अखिलेश यादव कहीं और से, पर उत्तर प्रदेश की सीट उसकी नहर से भी लगती है। पर बंदे का क्या काम करता, जो जहाँ का होगा बंदे की सपोर्ट जहाँ होगी वो लड़ता इलेक्शन। जब हमारे लिए काम कर रहे हैं उसके पास सपोर्ट है तो इसलिए तो हम उसे वोट देंगे। कोई कहीं का भी इंसान हो कोई बात नहीं, पर ये तो है पार्टी का बंदा, उसे मौका दिया तो अब इसे भी दें। 10-2 साल दो बार से उसे जिता रहे हैं तो एक बार इन्हें भी सही। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। क्यों कन्हैया कुमार? युवा है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, युवा है, हमारी बातों को समझेगा। बेरोजगारी दिख रही है, नौकरी नहीं है कहीं भी, नौकरी मिलेंगी अगर वो बंदा कुछ बनेगा, हो सकता है हमारे लिए कुछ करे। तो युवा को युवा ही समझेगा, युवा और कौन समझेगा? तो जी इसे ही देंगे हम तो कन्हैया कुमार। लेकिन कहते हैं मतलब बीजेपी वाले उनपे आरोप लगाते हैं, उनके बारे में बयानबाजी करते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है। देखो कहने वाले ये तो लफ्ज है, कुछ भी कह दो, मुंह है इससे कुछ भी कह सकते हैं। अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग से है कि इसे भी है, मगर वोट तो कन्हैया कुमार को ही जानी है। अच्छा जी, वोट कन्हैया कुमार को जानी। मनोज तिवारी को वोट क्यों नहीं जानी है ये बताइए हमें। भाई साहब हमने तो देखा ही नहीं है उसको अपने विधानसभा में आज तक, मनोज तिवारी ने आके दिखा किसी को देखा ही नहीं। अच्छा, आज तक उन्होंने आके देखा मुस्तफाबाद में क्या हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को पता चला है? उन्हें आते हो एक दो बार देखते, लोगों के काम करते, तभी तो पता चलता। कैसे गुजरे मनोज तिवारी के 10 साल यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? बिल्कुल बेकार। कैसे बेकार? कुछ फायदा ही नहीं है, क्या काम कराया उन्होंने? क्या चाहते थे और क्या नहीं हुआ है? क्या कराया उन्होंने विकास? क्या चाहते थे और क्या नहीं हुआ है? रोजगार चाहते थे, मिल गई हाथ में, भुखमरी मिल गई हाथ में, कटोरा पकड़ा दिया सरकार ने हाथ में सबके। अच्छा, अरे सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है, अपना साथ अपना विकास। बचाओ बेटी पटाओ वो काम कर दिया यहाँ तो। ये तो टंग स्लिप है ना, किसी की भी जुबान फिसल सकती है बयानबाजी करते वक्त। ये तो टंग स्लिप था, जुबान में तो सही फिसली थी, लेकिन जुबान में तो सही फिसली थी। क्या फिसली थी? सही फिसली थी। इधर आइए। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ 15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे और 2 करोड़ नौकरी मिल रही थी हर साल। मिली है किसी को? आपको मिली है? 15 लाख रुपए कह रहे हैं नौकरियाँ मिल रही है युवाओं को। किसको मिली है? रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। किसको मिली है? किसको मिली है? यहाँ पे पूछिए आप, किसी से नौकरी मिली है आपसे? किसी को नहीं मिली भाई। किसको मिली है? किसको मिली है? किसी को? अगर नौकरी मिली होती तो इतने युवा यहाँ खड़े ना होते, सब कामों पे होते अपने अपने। बेरोजगार भी काम नहीं है बिल्कुल भी, और कन्हैया कुमार की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल भूखे प्यासे पड़े हुए, कारोबार नहीं है पैसे का भी। एक रुपए कमरे वो भी खत्म हो जा रहे हैं। दुकान का किराया है 800 रुपए और काम हो रहा है 200 रुपए का। कहाँ से लाए हम बताओ, कहाँ से लाए? किराए तक के पैसे नहीं निकल रहे दुकान के, दुकान के किराए के पैसे नहीं निकल रहे। हमें तो वही वाली सरकार ला दो जो पहले थी। तो आप क्या चाहते थे जो नहीं हुआ है? हमारे कारोबार सही हो जाए बस, हम तो यही चाहते हैं बस। आपका कारोबार क्यों नहीं चल रहा है, क्या वजह हो सकती है? अरे गिराकी नहीं आ रही है कोई, गिराकी नहीं है, महंगाई ज्यादा है,
बस ये मुद्दा है हमारा तो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपको उम्मीदें किन से है? कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार कर देंगे भाई? अब तो जब हमें से नहीं मिल लिया तो वो वायदे कर रहे हैं, दूध और पानी की तरफ चल लिया है, उनकी बातें देख ली। बीजेपी कह रहे हैं ना कि 10 साल बेमिसाल गुजरे हैं बीजेपी के गुजरे। भाई हमारा तो रोजगार बंद पड़ा हुआ है, हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारा रोजगार नहीं। बस सीधी सी ये बात हमारी कहनी थी। लेकिन आप नाराज बहुत हो रहे हैं। नहीं, काम धंधा नहीं है भाई, तो आदमी को तो परेशान होना पड़ता है। बस हम किराए तक के पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, खिलाएंगे तो जब, काम ही नहीं है, रोजगार से बेकार बैठे हैं, बस ये नाराज। चलिए और भी कुछ लोग हैं इधर पीछे, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है यहाँ, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखो जी, कन्हैया कुमार आए हैं, क्या नई सरकार को वोट देंगे? नई सरकार को वोट देंगे? दस साल इनके देख लिया हमने, उन्होंने कुछ नहीं करा हमारे लिए, काम धंधों से परेशान है। रुक जा भाई, रुक जा, बात तो करने दे यार। हाँ बताइए। काम धंधों से परेशान है भैया, 10 साल देख लिया हमने, अब क्या कन्हैया जी को देखेंगे? आप युवा हैं, युवाओं का एक मुद्दा क्या होगा? युवाओं का मुद्दा तो वो रोजगार का है जी, रोजगार होना चाहिए, रोजगार ही नहीं है, आदमी परेशान है, काम से क्या करे बताओ। अब नई सरकार आई है, थोड़ा सा उम्मीद लगेगी आदमी को, काम धंधे चल लेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है ना कि अब की बार 400 पार। बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं करा, तो 400 पार कहाँ से कर लेगी अब यार? जनता वोट दे रही है ना। जनता कौन मणिपुर के मुद्दे पे वोट देगी? किस मुद्दे पे वोट देगी जनता बताओ आप? हाँ, किस मुद्दे पे वोट देगी? देखियो आसिफ। अच्छा, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे वोट पड़ना चाहिए? वोट भैया मुद्दे पे वोट पड़ना चाहिए रोजगार के, रोजगार बीजेपी की सरकार में बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा जी, क्या लगता है सर क्या होगा? हम तो कांग्रेस के देंगे, इन लोगों ने काम ही करके नहीं दिया, रोजगार नहीं, बिल्कुल काम करके नहीं दिया बीजेपी ने, काम नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप पड़े, क्या करेंगे, क्या खाएं, क्या करें, क्या ठप पड़ रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं चल रहा, सब बकवास है, बकवास है सब, कुछ नहीं चल रहा, सब नाम है ये। अच्छा, मनोज तिवारी नहीं चलेंगे? नहीं नहीं चलेंगे, मनोज तिवारी की तो हवा गई। क्या कह रहे हैं? मनोज तिवारी की तो हवा गई। कहाँ हवा गई? बाहर, हमारा कन्हैया कुमार आ रहे हो। आपका कन्हैया कुमार? हाँ। आपका मनोज तिवारी? नहीं नहीं, हमारा नहीं है मनोज तिवारी। वो कह रहे हैं कि हमने इधर काम किया है? अरे कुछ भी काम नहीं करा, कुछ भी काम करा होता तो ऐसी कमर टूटी होती हमारी। कमर टूटी पड़ी है हमारी सारी, कमर टूटी हुई है। और एक सेकंड, किस बात से कमर टूटी हुई है? रोजगार है नहीं बिल्कुल भी, क्या करें? अच्छा, रोजगार खत्म हो गया बिल्कुल, पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, फीस इतनी महंगी हो रही है। अरे कह रहे विकास की गंगा बह रही है? अरे बहुत बह रही है, देखते रहो कितनी बह रही है गंगा, ये पीछे नाले में चली भरी पड़ी है पूरी। विकास की गंगा नाले में? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। अरे बहुत नाले में बह रही है विकास की नाला, इससे तो हमारे चौधरी बढ़िया है। मोदी जी ने देश भर में गुजरात मॉडल लागू किया। अरे उनकी के बात ही अलग है फिर तो, फिर तो इनकी तो बात ही अलग है फिर। क्या बात अलग? अभी तो कर रहे हैं गुजरात में, यहाँ नहीं होंगे अब। हाँ तो हवा इनके, यहाँ बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी।